दोस्तों, कल ही हमने आपको पर्लेट मिसाइल के बारे में बताया था और आज भारत के रक्षा मंत्रालय की तरफ से पर्लेट टैक्टिकल सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को खरीदने के लिए मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत अब 120 की संख्या में पर्लेट बैलिस्टिक मिसाइल को खरीदा जाएगा और इस मिसाइल की तैनाती चाइना और पाकिस्तान से सटी सीमा पर की जाएगी। फिलहाल पर्लेट बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर से 500 किलोमीटर है। इस मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि इस मिसाइल को इंटरसेप्ट कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इस मिसाइल की रेंज को बढ़ाया भी जा सकता है। पहले पर्लेट मिसाइल को एयरफोर्स में शामिल किया जाएगा, उसके बाद इस मिसाइल को थल सेना को सौंपा जाएगा। ये मिसाइल आने वाले समय में आपको भारत की रॉकेट फोर्स में भी देखने को मिलेगी। इस मिसाइल की एक और खास बात यह है कि ये मिसाइल एंड टाइम तक भी अपनी लोकेशन को बदल सकती है। साथ में ये मिसाइल दुश्मन देश को कंफ्यूज भी कर सकती है और ये अपने साथ में कई वॉरहेड